सर्दियों में खास बनने वाला एक बहुत ही स्पेशल क्लासिक डिश है कैपेज या बंधा गोभी में चना दाल देके फ़िश हेड या मछली का जो सर होता है माथा या मुरी जो आप बोल सकते हो बहुत लैंग्वेज में अलग तरह का बोलते हैं बेसिकली फ़िश हेड उसको दे के चाहे रोही हो कतला हो उसको दे के फ्लेवर करके चना दाल के साथ देसी बंधा गोभी के साथ बहुत ही प्यारा सा क्लासिक डिश बनता है सर्दियों में इसको बहुत पसंद किया जाता है उड़ीसा और, और बंगाल में बंगाल में ये बहुत खाया जाता है अपना ही मज़ा रहता है और बहुत सारे इसमें छोटे छोटे ट्रिक्स एंड ट्रिप्स में शेयर करूंगी क्लासिक डिश है तो सोज फूड कॉर्नर का स्पेशल फिश हेड कैबेज फ्राई बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अलग नमस्कार मैं शुभकरी और आप सबका स्वागत करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को टैप करना बिल्कुल मत भूलिएगा बेल बटन के ऑल पर क्लिक कीजिएगा और मेरे वीडियोज को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद तो इस रेसिपी के लिए मैं यहाँ पे रोही मछली का बड़ा साइज़ का लगभग दो ढाई किलो का रोही मछली का सर या फिर जो मूड़ी बोलते हैं या फिर माथा बोलते हैं वो ले ली हूँ हाफ करवा दी हूँ और नॉर्मल जो बीच का रहता है ना पेटी वाला पीस वो ले ली हूँ थोड़ा मोटा साइज़ में कटवा के इसे कांटा निकाल के हम यूज़ करेंगे और ये देखिए मैं उसको हाफ़ में करके पूरा साफ़ करवा दी हूँ काफ़ी बड़ा था ये जैसे मैंने बोला आप चाहें तो कतला भी ले सकते हैं और आपके पास कोई फ्रेश वाटर फिश हो तो वो ले सकते हैं इसमें एक बड़ा चम्मच हल्दी और नमक टेस्ट के हिसाब से डाल के इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके छोड़ देंगे पंद्रह से बीस मिनट तक अच्छे से इसके अंदर ऊपर हम हल्दी और नमक को मैरिनेट कर देंगे और जैसे मैंने बोला ये जो रेसिपी है ना अगर आप मछली कभी लाते हैं लेफ़्ट ओवर हो जाता है या आपके पास फ्राई किया हुआ रहता है फ़िश उससे भी बहुत अच्छा बनता है मैं फ्रेश आपके सामने ये बना के दिखा रही हूँ और ये जो डिश है बहुत स्टेपल है बंगाल और उड़ीसा में कोई कोई इसमें मूंग दाल भी डालते हैं पर इसमें मैं चना दाल आज यूज़ करूँगी बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता है तो इसको हम रख देंगे कम से कम पंद्रह बीस मिनट के लिए तब तक कुछ और इंग्रेडिएंट्स का तैयारी कर लेते हैं इसमें ना हमको आ, कुटा हुआ अदरक लहसन चाहिए तो यहाँ पे मैं लहसन ले ली हूँ दस से बारह और अदरक ले ली हूँ एक इंच इसको ना अब अच्छे से हम क्रश कर लेंगे कूट देंगे Uh, अगर आप पेस्ट यूज़ करेंगे ना तो वो मज़ा नहीं आएगा जैसे इसमें आएगा इसका एक्चुअली नाम uh, उस उसी uh, प्रोसेस से मिलता है क्योंकि इसको हम कूच के यूज़ करते हैं क्रश करते हैं तो अदरक और लहसुन को मैं अच्छे से क्रश कर लूँगी छिलचिड़ा बोलते हैं हम इसको कूच रहे हैं इसलिए इसको बोलते हैं उस नाम से ये बहुत फेमस है और देखिए यहाँ पे अदरक और लहसुन को मैं अच्छे से क्रश कर ली हूँ तो ये प्रिपरेशन मैं पहले कर ली हूँ और मैं रेकमेंड करूँगी स्ट्रॉगली आप क्रश्ड ही यूज़ करें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है है उसके अलावा कैबेज को भी ले ली हूँ पाँच ग्राम आधा किलो के आसपास है देसी वाला ली हूँ ताकि इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है दो मीडियम साइज के आलू को छिल के उसको काट के रख दी हूँ और हरा मटर ताज़ा वाला ली हूँ आधा कप इसलिए ये डिश सर्दियों में बनता है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है चना दाल को धो के दो घंटा तक भिगो ली हूँ पानी में और देखिए लगभग चाय वाले कप में एक कप है और ये अच्छे से भीग गया है इतना अच्छे से भीगा है कि इसको मैं उंगलियों से तोड़ पा रही हूँ तो ये मैं ले ली हूँ इसको पहले उबालना नहीं है हम इसके साथ ही कुक करेंगे एक बड़ा साइज का प्याज ले ली हूँ पतला पतला कटा हुआ है नॉर्मल अगर जब हम बना रहे हैं ना तो बेसिक मसाले हैं दो टमाटर ले ली हूँ ये मेरे अपना बैल्कनी का उगाया हुआ टमाटर है और दो हरा मिर्च है तो सब इंग्रेडिएंट्स बेसिक ही था तो एक कढ़ाई को गर्म करके मीडियम हाई फ्लेम पे कड़वा तेल डाली हूँ मस्टर्ड ऑयल लगभग आधा कप जब अच्छे से धुआं निकलने लगे तब इसमें हम फिश हेड या जो मछली का जो मूड़ी है ना वो फ्राई करेंगे नीचे वाला साइड को पहले अंदर रखेंगे इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये क्योंकि जो कभी कभी बबल आउट होता है ना ये ये वाला पार्ट होता है तो उसको नीचे रखेंगे फ्लेम मीडियम हाई पे हम रखेंगे और इसको अभी अच्छे से फ्राई होने देंगे एक तरफ अगर आप पहली बार कर रहे हैं बेशक थोड़ा ढक ले क्योंकि कभी कभी ना ऑयल मतलब तेल ऊपर आ जाता है तो जब तीन चार मिनट के बाद हाई फ्लेम पे एक तरफ पक जाए इसको ऐसे उल्टा दें देखिए मैं इसको पलट दी हूँ अब पलटने के बाद दूसरे तरफ को भी अच्छे से इस तरह से फ्राई होने के लिए छोड़ दूँगी लगभग चार पाँच मिनट लगेगा क्योंकि बड़ा मछली है जब तो दूसरी तरफ पलट लेना फ्लेम थोड़ा मीडियम कर ले ताकि अच्छे से अंदर तक पक जाए उसके बाद मुझे तो प्रैक्टिस है ना मैं इसको ऐसे खड़ा कर देती हूँ ताकि नीचे वाला जो फ्लैश है वो पक जाए अगर आपसे ना हो तो बिल्कुल ना करें क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा रिएक्ट करता है तो इस तरह से अलट पलट करके लगभग दस बारह मिनट लगेगा मीडियम हाई फ्लेम पर इसको इस तरह से भून के मैं निकाल दूँगी मछली का जो सर होता है ना फिश हेड इसका अपना एक बहुत अर्दी सा फ्लेवर आता है बहुत रॉ फ्लेवर आता है बहुत रस्टिक फ़्लेवर आता है तो इस रेसिपीज में इसका बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है उसी तेल में थोड़ा सा मैं निकाल दी थी आप चाहे तो वो तेल भी यूज़ कर सकते हैं पर वही फ्लेवर वाला तेल यूज़ कर ले कुछ गर गर्म मसाले ले ली हूँ दालचीनी है इलायची है तीन चार लौंग है तीन चार गोल मिर्च है वो डाल दी इस तेल में और तेज पत्ता दो को तोड़ के ऐसे डाल दी और इसमें पंचफोरन डाल दी हूँ मैं एक छोटी चम्मच पंचफोरन और गर्म मसाला का टेस्ट बहुत औसम आता है इस रेसिपी में जब पंचफोरन अच्छे से चटक जाए उसमें मैं प्याज डाल दूंगी कटा हुआ तो पंचफोरन को चटकने दे उसके बाद प्याज डालें तो प्याज डालने के बाद फ्लेम अभी मीडियम कर दूंगी नमक डाल दूंगी आधे छोटे चम्मच ताकि प्याज जल्दी से गल जाए तो देखिए मैंने इसमें नमक डाल दिया अब मिलाती जाऊंगी अच्छे से फ्लेम अभी मीडियम पे है आधा कप ऑयल हम मछली को फ्राई करने के लिए यूज़ किए मैंने थोड़ा उसमें से निकाल दिया आप चाहें तो वही तेल पूरा यूज़ करें पर जितना आप गोभी लेंगे उसके हिसाब से तेल यूज़ करें बन्धकोभी तो तो जब आपको लगे कि प्याज लाल हो चला है उसमें तीन से चार मिनट लगेगा बड़ा साइज़ का प्याज है चार पाँच मिनट के अंदर हल्का गोल्डन होकर लाल होने लगेगा तो इस स्टेज पे मिला ले आप देख पा रहे होंगे प्याज जो है थोड़ा सा रेड होना स्टार्ट हो गया है तो इस स्टेज पे फ्लेम मीडियम ही रखें और यहाँ पे ना मैं क्या की कहूँ जीरा एक छोटी चम्मच और दो से तीन सूखा मिर्च जितना आप तीखा खाते हैं और तीन चम्मच पानी को अच्छे से पीस ली हूँ तो अब उसमें पीस के रख दी हूँ और इस स्टेज पे एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी एक छोटी चम्मच डाल दूँगी पहले प्याज में थोड़ा सा वेट करूंगी और उसके बाद मैं जो पीसा हुआ जीरा और सूखा मिर्च था वो डाल दूँगी तो बेसिकली कश्मीरी लाल मिर्च हम डालें कलर के लिए और सूखा मिर्च हम डालें तीखापन के लिए सब चीज़ों को मिला लें फ्लेम मीडियम पर ही है एक से दो मिनट इंतज़ार करें जब तक तब तक कि जो हम मसाला डालें ना जीरा और सूखा मिर्च उसमें पानी था थोड़ा सूख जाएगा ड्राई आउट हो जाएगा और तेल ऊपर आ जाएगा सूखे मसाले भी हैं हल्दी है और मिर्चा है कश्मीरी रेड मिर्च तो थोड़ा सा इंतज़ार कर ले बस एक से दो मिनट उसके बाद जो हम अदरक लहसुन को क्रश किए थे ना हम कूट लिए थे उसको हम इसमें डालेंगे क्रश्ड अदरक और लहसुन डाल के मीडियम फ्लेम पे एक बार ही अच्छे से मिला लेंगे दो से तीन मिनट लगेगा तुरंत ये फ्राई हो जाएगा क्योंकि हम पेस्ट नहीं बना है एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं है जब क्रश करते हैं ना तो मसाला बहुत जल्दी भून जाता है तो बस एक दो मिनट बाद इस स्टेज पे हम देखेंगे कि मसाले में से तेल अलग हो गया है जैसे आप मेरे वीडियोस पे देख पा रहे होंगे अच्छे से सूखे मसाले कूटा हुआ अदरक लहसुन सब अच्छे से मिल गया है कढ़ाई में मेरा बिल्कुल नहीं चिपका है आ, मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं इस कढ़ाई के बारे में कुकवेयर के बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी कुकवेयर का आप देख लीजिएगा मैं सारे जो यूज़ करती हूँ सबका वहाँ पर लिंक दे दूँगी तो ये जो कढ़ाई है बहुत अच्छा ब्रांड का है बिल्कुल भी नहीं चिपकता है तो अब इस स्टेज पर जब आपका मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें मैं डालूँगी चना दाल जो हम भिगो के रखे थे पानी निकाल के डाल दें और मीडियम फ्लेम से में दो से तीन मिनट मसालों के साथ अच्छे से चना दाल को भून लेंगे हम चना दाल को बिल्कुल उबालेंगे नहीं इसी मॉइस्चर में इसी हीट में चना दाल पक जाएगा मैं लास्ट को आपको दिखाऊंगी बस दो तीन मिनट खुला आंच पे इस तरह से मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे मसालों के साथ और इतना अच्छे से ये फ्राई हो जाएगा ना कि जो तेल है ना इसमें अलग दिखेगा मतलब बेसिकली चना दाल के अंदर मसाला बहुत अच्छे से रस बस जाएगा बस दो से तीन मिनट ज्यादा नहीं करना है देखिए पूरा मेरा कढ़ाई साफ है और इस तरह से जब हो जाए तो इस स्टेज पे फ्लेम अभी मीडियम था फ्लेम हाई कर देंगे और हम डालेंगे इसमें बंद गोभी कटा हुआ बंद गोभी और थोड़ा नमक डाल देंगे आलू और टमाटर तो तीन चीज़ हम इसमें डाल देंगे और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा थोड़ा सा हम प्याज में भी डाले थे तो सब चीज़ों को अभी फ्लेम हाई करके एक मिनट के लिए मिला दें बहुत इंपॉर्टेंट टिप है बंद को भी डालने के बाद फ्लेम लो मत कीजिएगा नहीं तो बंद को भी सारा अपना मॉइस्चर रिलीज़ कर लेगा ये फ्राई नहीं होगा ये उबल जाएगा तो फ्लेम हाई कर लें अच्छे से एक बारी बहुत अच्छे से मसाले चना दाल बंद गोभी आलू टमाटर सब मिला लेंगे तब तक मिलाएंगे एक मिनट लगेगा जब तक कि अच्छे से मिक्स ना हो जाए जब इस तरह से मिक्स हो जाएगा देखिए मेरा बहुत अच्छे से मसाले चना दाल सब मिक्स हो गया है तो जब इस तरह से मिक्स हो जाए जो ग्राइंडर में हम पीसे थे ना जीरा वगैरह उसमें दो चम्मच पानी देखिए इसको डाल के फ्लेम एकदम लो करके मैं छोड़ दूँगी पंद्रह से बीस मिनट तो लो फ्लेम में अभी 15-20 मिनट के बाद देखिए ये जो बंद गोभी है ये ऑलमोस्ट आधा से ज़्यादा गल गया है और इस स्टेज पे फ्लेम अभी थोड़ा मीडियम कर दूँगी तब से लो पे था हल्का सा मीडियम करके इसमें मैं जो धनिया होता है ना पत्ती उसका तो डंडी होता है सिर्फ उसको रफली ऐसे चॉप करके हाथों में डाल दूँगी और इस स्टेज पे अभी जो मछली हम फ्राई किए थे जो मछली मूड़ी जो मछली का जो हेड है फिश हेड उसको डाल के इस तरह से कच्छुल से ही अच्छा हल्का तोड़ देंगे हल्के से ही एकदम पेस्ट नहीं करना है वो अपने आप घुल जाएगा और जो पीस लिए थे हम बड़ा बड़ा पेटी वाला उसका कांटा निकाल के बस फ्लैश डाल देंगे रफली ही डालेंगे देखिए बस जंक्स डाल देंगे डाल के मीडियम फ्लेम पे इसको एक बारी अच्छे से दे चला देंगे यही इस जो हम बना रहे डिश का जान है फिश का हेड है, जो है जो मछली का सर है माथा है उसका फ्लेवर्स इस पूरे डिश में आएगा तो अब इसको इस तरह से मिला लें अगर बच्चे खा रहे हो तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाए अदरवाइज ये आसानी से मिल जाता है और बड़ा जो पीस थे उसमें तो हम कांटा निकाल ही दिए हैं मिला लें एक बार ही और स्टेज पे हम डाल देंगे हरा मटर जो हम लिए थे आधा कप के भर हरा मटर डाल देंगे और गरम मसाला पाउडर एक छोटी चम्मच ये घर का बना हुआ गरम मसाला पाउडर है एक छोटी चम्मच डाल लें मिला लें चाहे तो नमक टेस्ट कर सकते हैं इस स्टेज पे बंद गोभी के वक्त हम नमक डाले थे तो मिला के अभी इसको हम ढक देंगे एकदम लोएस्ट फ्लेम पे और 10 से 12 मिनट के लिए पहले हम 15 मिनट के ढके थे अभी 10 से 12 मिनट के बाद देखिए तेल साइड से पूरा छूट गया है ये कितना अच्छा खुशबू आ रहा है मैं आपको बता नहीं सकती खास खुशबू भी अपलोड हो सके यूट्यूब पर ये जो वीडियो है मैं आपको उसमें दिखाने का पूरा कोशिश की हूँ सब्ज़ियाँ जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है पानी नहीं छोड़ा है मसाले अच्छे से गल गए हैं चारों तरफ तेल छोड़ दिया है और कढ़ाई जो है मेरा बिल्कुल साफ़ है एकदम लटपटा लसोर टाइप का बन गया है सब चीज़ों को एक बार मिला लें अभी फ्लेम लो से मीडियम कर लें अब इसको फाइनल टच देने के लिए कसूरी मेथी थोड़ा सा भून के एक छोटे चम्मच इसके ऊपर डाल दें दो हरा मिर्चा डाल दें और कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दें तो बस हमको इसमें कुछ एक्स्ट्रा सामान नहीं चाहिए और घर का बना हुआ सब चीज़ें हैं और फाइनल टच गैस ऑफ करने से पहले एक बड़ा चम्मच देसी घी डाल दें मिला लें और गैस बंद करके छोड़ दें सारे फ्लेवर्स आपस में मिल जाएंगे और एक बहुत ही बेहतरीन मछली का सर का माथा का घाटो को भी चना दाल के साथ रेडी हो जाएगा इसका क्लासिक नेम है छेछड़ा व चौड़चरी बहुत ही टेस्टी लगता है और देखिए चना दाल कितना अच्छे से मेरा गला है मैं आपको दिखाती हूँ पास से इसमें सारे फ्लेवर्स मछली का है और देखिए इसको ना हमने उबाला है ना इसको एक्स्ट्रा कुछ किया है कढ़ाई में ही पूरा रोस्ट होकर अच्छे से भुन गया है इतना सुंदर ये लग रहा है तो इसको मैं सर्व की हूँ थोड़ा मेरे तरीके से क्लासिक सूस फूड कॉर्नर टच में एक बंद गोभी के पत्ता के ऊपर कितना खूबसूरत ये लग रहा है इसमें प्रोटीन्स है वेजीज है मछली का फ्लेवर है जिनको मछली पसंद है बहुत टेस्टी लगता है क्लासिक डिश है इसमें कोई भी छेड़खानी मैं नहीं की हूँ कुछ चीज़ें जो क्लासिक होता है क्लासिक ही रहे तो उसमें मज़ा आता है तो ये रेसिपी जिस जिनको मछली का सर खाना हेड खाना बहुत पसंद है उनको बहुत अच्छा लगेगा ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी छोटी छोटी बातें मैं बहुत बताई हूँ चावल के साथ रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है और ये जो रेसिपी है ना अगर आप इसको चाहें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कोई कोई चना दाल की जगह मूंग दाल भी डालते हैं तो अपना अपना टेस्ट है उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो है जो एफर्ट है आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक स्टे सेफ लव लाइफ एंड हैप्पी फूडिंग